सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो बहुत लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे असुर 2 का अपडेट क्या है। सो मैंने थोड़ा सा ना फोन वोन घुमाया अपने दोस्तों को और जो VFX फील्ड में है उनसे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और कुछ सोर्सेज है जहाँ पे हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो मैंने वहां से भी थोड़ा सोर्सेज कलेक्ट किया और मुझे जितना पता चला है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, लेकिन आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आएगी, लेकिन फिर भी वीडियो को पूरा देखना। तो अपडेट्स इस तरह से आ रही है, ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगा ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो अपडेट इस तरह से आ रही है कि वुड के अगले महीने में यानी कि अगस्त में ये सीजन आ सकता है, क्योंकि वुड पे आई थिंक अभी ये कोई सीजन आने वाला है रॉन्ग वोंग नाम से, तो वो जो सीजन आने वाला है उसकी वजह से वुड ने इस असुर 2 को डिले किया है थोड़ा सा, क्योंकि जो सीजन आ रहा है अभी नया वाला एक कोई तो भी शो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है बोल रहे हैं। मैंने उस बारे में देखा नहीं, मैं जरूर देखूंगा, मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे, लेकिन इसी वजह से वूट ने असुर 2 को अगस्त महीने में शिफ्ट किया है। बट इट्स ओके, मैंने मेरे दोस्तों को पूछा तो ट्रेलर पे काम चल रहा है ठीक है, ट्रेलर की साउंड डिजाइनिंग वगैरह चल रही है और कुछ काम DI का बाकी है। जिन लोगों को DI नहीं पता उन लोगों को बताओ DI यानी कलर ठीक है, तो फाइनल जो कलर टोन होता है उसको DI बोला जाता है। तो DI का काम भी चल रहा है, कुछ कुछ शॉट्स में DI भी बाकी है और VFX वगैरह सब हो गया है, शूटिंग भी पूरा कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया है, बस अभी DI का काम चल रहा है, थोड़ा साउंड का काम बाकी है और थोड़ा डबिंग का काम बाकी है। आई थिंक अर्शद वारसी का डबिंग का काम बाकी है, बाकी सबका हो गया है ठीक है। सो बाकी सब तो सॉर्टेड है, अपने को अगले महीने देखने को मिल जाएंगी। और एक लास्ट अपडेट जो मैंने आपको बोला था वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मेरे को पता है बहुत लोग उसके लिए रुके होंगे, तो वो ये है कि कहा जाता है कि ये सीजन में असली जो विलन होगा वो अरशद वारसी ही होगा। मतलब भाई अरशद वारसी का मैं बहुत अच्छा फैन हूँ, मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं उनका काम, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मतलब मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि भाई वो एकदम लाइक अ प्रोटेक्टर काम किया, मतलब रक्षक थे, तो अभी रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मजा नहीं आएगा, लेकिन मजा तो आएगा भाई क्योंकि रक्षक भक्षक बन जाएगा तो वो देखने में भी काफी मजा आएगा, वो भी एक क्रिएटिव होगा। सो गाइज देखते हैं अभी हम कैसा होगा उसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोगों को अगर ये अपडेट्स पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सुबह उठ के ऐसी वीडियो आपके लिए बनानी पड़ती है। अभी लाइट नहीं है, सब इन्वर्टर पे काम चल रहा है, लेकिन फिर भी हम काम नहीं छोड़ रहे। सो प्लीज यार इसके लिए एक लाइक तो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, तो ऐसे ही नए रिव्यूज मिलेंगे आपको काफी अच्छे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।